जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स वाली जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों ने डिमांड करी थी कि इंटीग्रेशन चैप्टर को मैं अपलोड करूं दोबारा से कंप्लीट, और पार्ट्स में अपलोड करने की जो डिमांड आप लोगों ने मुझसे करी थी वो डिमांड आपकी अब पूरी हो चुकी है भाई। ठीक है, आप लोगों के कहने पर देखो इंटीग्रेशन का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर और पार्ट फाइव, पांच पार्ट में बेटा हमने एनसीईआरटी के सभी कॉन्सेप्ट इसमें कवर किए हैं भाई। इसमें मिसलिनियस के भी काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो बहुत से बच्चों ने तो आई थिंक ये देख भी लिए हैं और पार्ट फाइव पे भी ज्यादा व्यूज आए नहीं है, लेकिन हाँ अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत करी नहीं है इंटीग्रेशन की, और बहुत से ऐसे जिन्होंने शायद खत्म कर भी लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर ना इंटीग्रेशन पढ़ते समय मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि देखो इंटीग्रेशन जो चैप्टर है ना, ये काफी बड़ा चैप्टर है यार। इसको अगर आप एक बार अगर आप पढ़ोगे ना तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे सीधा स्टार्ट ही किसी एक्स्ट्रा बुक से करते हैं, कुछ बच्चे आरडी उठा लेते हैं। भाई मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले बेटा आप लोग अपनी एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी खत्म करो पूरा कंप्लीट, सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स पहले एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी हो जाएगी ना, जितनी जल्दी आप खत्म कर सकते हो उसके बाद फिर आप आरडी शर्मा उठा लेना यार, या फिर कोई दूसरी किताब है कोई आपके जो टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ते हैं, फिर उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आप शुरू कर देना। एनसीईआरटी ना आपको एक कॉन्फिडेंस देगी भाई, वहां से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो कई बार क्वेश्चन होता है ना कि एनसीईआरटी से नहीं आते, बाहर से भी आ जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस करना जरूरी है आप लोगों को यार, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आपकी दूसरी किताब को भी उठा सकते हो, सीबीएसई का सपोर्ट मटेरियल उठा सकते हो। बाकी मैंने भी एक इंटीग्रल्स का एक जो असाइनमेंट था, एक वर्कशीट थी, वो बेटा आप लोगों के लिए मैंने भी अपलोड कर रखी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले एनसीईआरटी करो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करो। ठीक है, अब दूसरा ऐसे में जब आप स्टार्ट करते हो तो होता क्या है ना, आपको हर एक एक्सरसाइज में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जहां पर मतलब बिना ट्रिक के वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट बाय पार्ट्स का कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस पे आंसर आ जाएगा, ए बाई एक्स प्लस वन, बी बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर सी बाई एक्स प्लस टू, वो आप कर सकते हो डायरेक्ट, राइट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मालूम है यहाँ पे रूट एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए यार। अब होता क्या है ना, एग्जाम टाइम पे क्योंकि समय कम होता है तो पूरा इतना बड़ा चैप्टर आप जल्दी से रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो वहां पर ना आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने होते हैं, रिवाइज करने होते हैं, और जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन ट्रिक्स को रिवाइज करना होता है। ठीक है, अगर आप एक ही क्वेश्चन को एग्जाम से एक दिन पहले करने बैठोगे तो भैया सारा टाइम आपका ऐसे ही वहां पे बेकार हो जाएगा। तो बेटर क्या है, अभी से आप लोगों ने क्या करना है, जो भी एक्सरसाइज आप पढ़ोगे ना तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बेटा आप लोग हर एक ट्रिक वाले क्वेश्चन को मेंशन करते रहो कि हाँ 7.2 के इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक लगनी है, इस क्वेश्चन को डेली रिवाइज करना है, 7.5 के इन चार क्वेश्चन में ट्रिक्स लगेंगी, कुछ जुगाड़ लगेंगे, तो वो उनको हमने फिर वहां पे रिवाइज करना है। तो देखो जब आप ये कर चुके होंगे तो जब चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका होगा तो उसके बाद हर दो तीन दिन में बेटा आप उन ट्रिक वाले क्वेश्चन को उन पे नजर मारते रहो, उनको देखते रहो, कि क्योंकि जब आप उनको तीन चार बार करोगे ना तब जाके वो ट्रिक्स आपके माइंड में सेट होंगी यार। एक बार तो आपने पढ़ लिया बट उनको रिटेन कर पाना काफी मुश्किल काम होता है यार। मैंने अपने टाइम पे खुद इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर को तीन बार पढ़ा था यार। ठीक है, तो उसके बाद भी कॉन्फिडेंस हालांकि काफी कम था। तो आप भी बेटा ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है आप बहुत होशियार हो जिससे आपको एक बार में याद हो जाए, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में सब बातों को याद नहीं रख पाते हैं, तो उनको बेटा इसलिए इन क्वेश्चन को इस चैप्टर को कम से कम तीन बार रिवाइज जरूर करना है भाई। अच्छा एक बार, अच्छा एक बात इसमें और ये देखिए कि ये जो चैप्टर है क्योंकि हर एक्सरसाइज में 7.1 से लेकर 7.11 तक आपको हर एक्सरसाइज में कुछ नए फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। 7.1 में 14-15 फॉर्मूले हैं, 7.2 में 4 मिलेंगे, 7.3 में आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास वाले ही फॉर्मूले नए रूप में देखेंगे, 7.4 में 6 फॉर्मूले, 7.5 में 4, 7.5 में 2, 7.6 में 2, 7.7 में 3, ऐसी 7.11 में आई थिंक 9 या 10 प्रॉपर्टीज हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को याद रख पाना भी काफी मुश्किल काम है यार। तो आप हर रोज बेटा इन प्रॉपर्टीज को भी रिवाइज करो। मैं आपको बता रहा हूँ 5-6 दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं ना तो पेपर की तैयारी बेटा पूरी गजब की हो जाएगी आप लोगों की यार। देखो कॉन्फिडेंस जो आपको एग्जाम टाइम में मिलेगा ना वो तभी पॉसिबल है जब आप अभी मेहनत कर लो। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ टर्म टू में आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, चैप्टर 7, 8, 9, आपका 10, 11 और 13। तो इन 6 में से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन पे बेस्ड हैं। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन खुद है, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, चैप्टर 9 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेशन समझ लो। अच्छा सीबीएसई ने कुछ दिन पहले ये जो सपोर्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू किया था, 40 नंबर का पेपर है बेटा, उसमें से 18 या 19 नंबर जो है चैप्टर 7, 8 और 9 से हैं। तो यानी आधे नंबर जो है वो इंटीग्रेशन के हाथ में है भाई। इंटीग्रेशन अगर आता होगा तो देखो एक अलग ही विश्वास होगा बेटा, और इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तो समझ लो फिर वहां पे
आधे तो गए ना, फिर आधे नंबर तो गए, फिर जब आधे के लिए आप लोगों को लड़ाई करनी पड़ेगी फिर, तो इसलिए इसको छोड़ ही नहीं सकते भाई। अगर टर्म वन आपका खराब गया है तो टर्म टू को तो अच्छा करो ना। अब आप सोचते रहो कि हाँ कब रिजल्ट आएगा, कब मैं पढ़ूंगा, नहीं भाई, आप तैयारी स्टार्ट करो आज से ही, अभी से ही। कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ भाई, तो ये काम कीजिएगा यार, ठीक है। कहीं दिक्कत आती है भाई आप लोगों को तो भाई कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। मैं तो आप लोगों के लिए फिर वीडियोस यहाँ पे बना ही रहा हूँ यार। ये हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर भाई मैं अब आप लोगों के लिए लेके आऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर बेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा, और उस चैप्टर को भी पार्ट्स में लाना है या वन शॉट में पूरा खत्म करना है वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी इलेवंथ वाले बच्चे भी कह रहे हैं सर आप हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाते हो, बेटा नेक्स्ट तुम्हारे ही आ रहा है, डेरिवेटिव्स चैप्टर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रह गया उसमें, प्रोबेबली आज रात तक या कल मॉर्निंग तक बेटा आप लोगों के लिए वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ बच्चों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने ना कुछ टाइम पहले एक चैनल और बनाया था अनुराग चौहान लाइव के नाम से, हालांकि मैं यहाँ पे इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक्टिव हो रहा हूँ, तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को मेरी और भी अपडेट्स जो है यहाँ पे दिखती रहा करेंगी, तो इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को मिल जाएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताओ भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधा नेक्स्ट वीडियो में।